मूड बनाला तनी मूड बनाला दूसरा मूड पुष्पित हुआ अश्क के धार से कभी सींचा गया प्यार पतझर भी है प्यार मधुमास है प्यार को कभी फांसी पर खींचा गया पाटली पुत्र में पिपली जंगल रहा पूरा मधुमासी होना रही चादनी मोर के झुंड में वो थिरक सी सदा एक मकरंद मुखरित करे नाजनी यही पटना पटना के बगल में पाटिलपुत्र उसी को कहते हैं उसी के बगल में पिपली जंगल ठीक है एक गाय लेवा पिपली जंगल में मूरा नाम की एक लड़की नौजवान लड़की है रूप की रानी है जो देखता है देखते ही रह जाता है मोरों के झुंड में नाचती है थिरकती है और यहीं से हमारे नौजवान छात्र गौर करेंगे मोर पंछी को राष्ट्रीय पक्षी यहीं से उसका नाम दिया गया और बुरा लड़की जंगल में पिपली जंगल में मोरों के झुंड में नाचती है थिरकती है आए हैं देखने वाले देखते रह जाते हैं लेकिन उसी बीच में घटना घटती है एक लाइन संकेत है राजा मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता ये केहू केहू से श्याम बन जाती जवानी श्याम बन जाती तो मधुकर पी गया जाती तो मधुकर पी गया होता नम्रता याह भर करके खुशी से जी गया क्या बात है मगध सम्राट धनानंद यक बिलासी था छुआ जिस फूल को सुबह के लिए पासी था शिकार करके एक दिन पिछली जंगल आया है मुरा मधुभाषिनी को देख कर लुभाया मोरों के झुंड में हम मोरनी फिर रखती थी आभर देखे आसी पैर जब पटकती ना
जंगल की बेटी इतनी सुंदर है जो देखा देखते ही रह गया। मगध का राजा धनानंद, मगध का राजा धनानंद शिकार करने आया, नजर पड़ गई। आज हम नजर पड़ गई कि मोरों के झुंड में नाच रही है, एक वृक्ष की आड़ में होकर के उसके नाच को देख रहा है। आया है जब उस लड़की की नजर इस राजा पर पड़ी, ग्राफ सही अपन काम कह दे। आया है आज जब आंख मार दिया तो गौर करेंगे मारा कैसे। एक लाइन तर्ज हो लाल है, अरे पिया कल का तवाम से आवल हो, आवल हो रे संभलिए तो। पुरिया से अखिया लड़ावल हो, लड़ावल वाले प्यार करे वाले तमाम तमाम लफड़ा वाली बात बताते हैं। लेकिन जौने समय नजर पर नजर पड़ी, कछ दिना तबादला, जब तबादला तो लड़की मुरा करती क्या है, अरे धनुषा उठाए गोरी मार दिया बनवा, अच्छा मधु लोभी पूछे भ्रमरी करनवा, जान ले लतीरी या थमावल थमावल की नजर पड़ी इस आशिक पर, बगल में धनुष रखी थी, तीर उठा करके मार देती है। आ है जब मरल तो तिरिया पकड़ ले लन, आप पकड़ के कहल है मेरी जान, तुम्हारा निशाना ठीक नहीं है, ऐसे क्या मार रही हो, आओ नजदीक से छाती में दबा दो, प्राण निकल जाए तो भी खुश हूँ मैं। बारे आशिक बारे मिजाज, आज जब तीर थमावे लगल तो शर्मिंदा हो गई, पलक नीचे कर ली। आज जब पलक नीचे कर ली तो ही जे एक दूसरे से प्यार हुआ, आज जब प्यार हुआ तो लंबी लंबी बात बतावे लगल कि मैं फला जगह का राजा हूँ, कबहू दुल्हन बनाई लेकिन बाजा बजवाई के गोली में बैठा के। लेकिन जो नहीं चाहिए आखिरकार वो बात बिगड़ गई, आ उसका परिणाम निकला। आए हाय मेरे दोस्त, नौवे महीने में गर्भ रह गया, नौवे महीने में बच्चा पैदा हुआ, और जब दोनों के ससर्ग से गर्भ रह गया बच्चा पैदा हुआ तो देखे सोचती है एक बात कहती है, तर्ज है स्वर्गीय हमारे राम बचा के। अरे हमार पलमू, हमार पलमू रात काहे नाई रही, लेकिन उसने कहा क्या, हमारे धनिया तो हक जाए न दे पर। हमारा धनिया
अब जाए देवन। साहब कांसीराम 10 अक्टूबर 8:16 पर इनका होता है। देखे अमित इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। भयल राजा गया फिर नहीं आया, आज जब लड़का पैदा हुआ तो मधुलोभी मद में भूल गया। मूरा बिटिया उस जंगल में सोचती है मधुलोभी मद में भूल गया। मध में कीड़ा पड़ जाते हैं, कसमे वादे खाने वाले बस खाते ही मर जाते हैं। बेटे का नाम है चंद्रगुप्त, बेटे का नाम है चंद्रगुप्त, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी सर कटवा कर तेरा पापी एक दिन तेरे गद्दी पर बैठाऊंगी। मैंने कहा मेला का एक अलग रूप बताने जा रहा हूँ, काम क्या होता है। और हमारे भाइयों ने आवाज दे रखी है, थोड़ा सा उस समय भटक तो गए लोग, लेकिन लग रहा है कि बुलंदी लाएंगे आप, और नंदलाल के लिए नहीं लाएंगे, समाज के लिए बुलंदी लाएंगे। साथियों के नाम पर जोरदार ताली बजा के प्यार है स्नेह भटकने भटकने, लेकिन हो सकता है रास्ते पे आ जा तो मंजिल दूर नहीं है, ध्यान देंगे। आखिरकार सौगंध लेती है, जैसे तूने वादा किया एक दिन इसी बेटे के हाथ में तलवार थमाऊंगी, तेरा गर्दन कटवा करके तुम्हारे गद्दी पर इसको बैठाऊंगी। एक लाइन संकेत है राजा, कैसन संकेत है। नई नबेली दुल्हन बस में यात्रा करती है, चढ़ तो के धकिया के जाए। कंडक्टर को देखी एक बात कही, कही क्या, अरे सास मोरी बस में, जेठानी मोरी बस में, ये मोटर वाले, अरे सास मोरी बस में, जेठानी मोरी बस में, ये मोटर वाले, लेकिन जवानी नहीं बस में। मगध के राजा धनानंद का सेनापति सरकार, जिसका नाम ही सरकार, और सरकार सेनापति को धनानंद पद से हटा दिया। बड़ा दुखी थे, लेकिन आत्मा में ज्वालामुखी फट रहा है। ये कमीना मेरे साथ गद्दारी किया है, मैं वफादारी के साथ इसके साथ रहा, इसका बदला जरूर लेंगे। देखे दूठे बदला हो गल, एगो जंगल की बेटी मूरा और एक सरकार सेनापति, रास्ता पकड़ के जा रहा है सेनापति, देखता क्या है एक अद्भुत व्यक्ति, कूस यही घास है और कूस के जड़ में मंठा गिरा रहा है। गले महाराज ये घास फूसा ये खाए पिए वाली चीज है, ये जड़ में गिरावट हुआ। जब वो आदमी सुना कहा कि जब भी आता हूँ तो ये धंसता है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी जड़ ही समाप्त कर दूं, इसकी खानदान ही समाप्त कर दूं। सरकार सेनापति जब सुना तो बोला कि तो काम का आदमी है, जब घास को खत्म करने की विधि ये आदमी जानता है
तो ये मेरे काम का आदमी है। कल क्या हुआ महाराज, कल हमार नाम विष्णु गुप्त पंडित है। जरा सा गौर करेंगे, कल विष्णु गुप्त पंडित कल बाहर बाबा पैर पकड़ल, पैर पकड़ के अच्छे बात कल कहल का कोरी कहा तारी अब सासु दही अरे जमावली अमृत डालली छोरा नवा राधा साधम मन मोह सरकार विष्णु गुप्त से बोले तेही घरिया सरकार विष्णु गुप्त से बोले तेही घरिया आइहा मगध की रजधनिया दादा हो महासब मगध जूटे में हम मानवम करिया पद सूरत विष्णु गुप्त के पद नवम सोच राजा चली चली पनिया वादा हो वादा जी भूली हा निवेदन कैले कहले बाबा हम धनानंद के दरबार का सेनापति है लेकिन आपके नेवता देते ही बसंत महोत्सव के दिन अगर वहाँ आप आ जाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। आए हाय बिहार में कवि जी भाव दिलन अरे पत्थर में भी चिंगारी होती है, पत्थर में भी चिंगारी होती है वसुधा बृहस्वरी दिन करके याद दोस्त गौर करेंगे विष्णु गुप्त उनको क्या पता निमंत्रण पाकर के विष्णु गुप्त निमंत्रण पाकर के धनानंद के दरबार में जाते हैं। आज जब धनानंद देखा विष्णु गुप्त पंडित को काला कलूटा शरीर है बस सूरत रूप रेखा है धक्का मार के बाहर कर दिए। कहले कि मेरे दरबार में अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें ये काला कलूठा कुरूप शरीर का ये व्यक्ति कहां से आ गया। जरा हमारे पढ़े लिखे विद्वान या शिक्षित बंधु गौर करेंगे खाते हैं कसम विष्णु गुप्त आए धनानंद मैं इसका मजा चखाऊंगा जब तक न नाश करूं नंद पंश यह चोटी नहीं बधाऊंगा। विष्णु गुप्त पंडित सौगंध खैले सौगंध खैले कि जब तक तोर नंद वंश हम समाप्त ना कर ले तब ले हमरो नाम विष्णु गुप्त नाम। और देखे दरबार से निकले चल देते हैं, जब चल देते हैं तो विदेशिया में भाव देवत पर खेला वारा वा चक्रवर्ती निशान देखी के हसल बमहनावा हो के बमाई बाप तनी बताई दा तू लारा लड़कन में वो जंगल के बेटी का बेटा चंद्रगुप्त देखे राजा प्रजा केहू दरोगा केहू सिपाही नाटक खेल रहा है। आज जब विष्णु गुप्त पंडित उस बच्चे को देखे रुक जाते हैं हर रुक कर बोले बेटा कौन है माँ कौन है बाप। हाथ पकड़ा चंद्रगुप्त बोला आइए महाराज अरोई रोई बतिया कहली मीरा बबूनी हो मगध का राजा बाबा बनल सियारा तोरा
ही बात, अगर एक जगह डिस्टर्ब हो तो कुल डिस्टर्ब होगा। ये 50 रुपया पुरस्कार, लेकिन जैसे कह रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा बेटी। देखे तीन बदला हो गल, एक बदला मूरा बेटी जंगल की बेटी का, एक बदला विष्णु गुप्त पंडित का, और एक बदला कौन करेंगे मेरे दोस्त, आखिरकार मंत्री का, सरकार मंत्री का। ये तीन बदला हो गया, और वहीं पर विष्णु गुप्त एक बात बताए, क्या बताते हैं, क्या बात है बा, लाल साथ में लाती हूँ, भेजा था मगध में ईरान वाला ज्वाला निकली है, अब भंग शेर पिजड़े में भंग वाला ज्वाला निकली है। धीरे धीरे लड़का सयान हो और विष्णु गुप्त के कहने पर मूरा मगध के दरबार में, धनानंद के दरबार में भेष बदल बदल करके जाती है। लेकिन एक दिन देखती क्या है, ईरान का बादशाह एक शेर पिंजरा में बंद करके एक शर्त लिख करके भेजा है। जानते हैं शर्त क्या है? अरे शर्त यही, पिंजरा न टूटे शेर हो जाए बाहर हम, हारे सब दरबारी बैठा थामूरा का नाहर हो, लोहा लाल कर शेर का किया दीवाला ज्वाला निकली है, साबस बेटा धन है बुद्धि वाला ज्वाला निकली है। आय हाय विष्णु गुप्त बगल में है, इशारा कैले बेटा ई मोम का शेर हो, ईरान का बादशाह शर्त रखा है कि शेर बाहर निकल जाए, पिंजरा का नुकसान नहीं होना चाहिए, शेर का नुकसान अगर लिखता तब उसको बचाते। मोम का शेर है बेटा, लोहा लाल कह के गरमा गरमा के छुआवत गल टेघर के शेर बहरे हो गल, दरबार में ताली बज गई, साबस बेटा साबस बेटा साबस बेटा। धनानंद खड़ा होता है, आशीर्वाद देता है, लेकिन कायल हो गया मेरे दोस्त। डबलू कुमार मर्दानपुर की माटी से, चल यार वहीं पर चल ले। अरे बदल कया गई सल्ला कोई नहीं, बदल के याद में जरे बच्चे की शिक्षा दीक्षा मेरे दरबार में होगी। लड़का बोल पड़ल कि तोरे दरबार में हमके पढ़ावे लायक केहू गुरु है ना। कल बेटा तो कौन तुमको पढ़ाएगा? कल हमारे साथे हमारे गुरु ही आए लोग। बच्चा हा गाँव वचन लगा के बैठिया था, आपका बात बताओ जाते हैं। शिक्षा दीक्षा के लिए हमार गुरु हमारे साथ हैं, हम
विष्णु गुप्त पंडित की तरफ इशारा करता है कि यह हमके शिक्षा दे लें, कहला इनहू के जगह, अगर आपको जगह मिल रही है बेटे तो तुम्हारे गुरु को भी जगह, लेकिन यही पर रहना पड़ेगा। वही जन विष्णु गुप्त पंडित अपन नाम बदल देलन, जान तो का कहले, अरे हम अच्छा रख के अपन नमवा बदल, बराबर नहीं। वही पर विष्णु गुप्त पंडित अपना नाम चाणक के बताए, जो चाणक नीत पढ़ाई जाती है पढ़े पढ़ते हम हैं। आज जब चाणक बताए, धीरे धीरे लड़का जवान हो गल, तीन तलवार सिखावत हुए, और जिसमें सिकंदर बादशाह विश्व विजयी का सपना लेकर के आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, वापस गया सिकंदर, बीच में मौत हो गई 32 वर्ष की उम्र में। लेकिन मेरे दोस्त, अरे जब किसी का अंदर का भैल मरण अवम है, जब किसी का अंदर का भैल मरण अवम, चंद्रगुप्त लिया भाग करिया के बाद देखे पूरी पागडोर सेना की चंद्रगुप्त के हाथ में आ गई। ये 200 रुपए पुरस्कार भैया मरी। आज जब सेनापति स्वयं चंद्रगुप्त बने, चाणक्य के कहले कि बेटा अब मौका मिल गया, लोहा गरम हो बेटा, बस केवल ठोक देवे के हा। लेकिन कहले कैसे, गायक भी हुए, पुष्पा हड्डी हॉस्पिटल एवं फिजियोथेरेपी कम मालिक दक्षिण केबिन से, ये पगल में हॉस्पिटल है, डॉक्टर बीएन प्रताप, अब ताकने की जरूरत ना है। विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त मगध पर किया चढ़ाई, बदला तीनों पूरा हो गया। चाणक्य विष्णु गुप्त का भी बदला, सेनापति सरकार का भी बदला, और मूरा जंगल की बेटी का भी बदला। देखे धनानंद को मार के वही से मौर वंशी झंडा फहरल, और मौर वंश का जब पताका फहरल, बिरा से कबहू मजाक ना कैली, यही बजे कहली कि पढ़ल लिखल हुआ खाली हंस के बोल के ना, बिरह के सादगी पर, बिरह के भाव पर, बिरह के भावार्थ पर भी ध्यान दें। आप पढ़े लिखे हैं, सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का पताका फहरा। इतना ही नहीं, दूसरी बार जब सेलूकस भारत पर बोला ढाला था, अरे चंद्रगुप्त से हार गया अपना दामाद बनाया, हे ललिया पर पिट जा,
लड़ाई जरूर किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से मात खाया, संधि कर लिया। और संधि जानते हैं कैसे किया? हमहन विदेशियन के अपने आबरू दे के अपन जान बचौली, कहीं कहीं इतिहास मिलल। लेकिन ये इतिहास बताता है विदेशी अपनी बेटी हेलन को सौंप दिया, तलवार रख दिया, और हेलन को चंद्रगुप्त मौर्य अपनी दुल्हन स्वीकार कर लिया। आज जब दुल्हन स्वीकार कर लिए तो हेलन से तब बिंदुसार, बिंदुसार से अशोकशाली। अब आपके भावार्थ देवा जाते हैं। हेलन से तब बिंदुसार, बिंदुसार से अशोकशाली। अरे कलिंग युद्ध के रक्त पात को आप देखते हुई कलानी भैया, अहिंसा के जो तीजा हम मारी कार्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य का, 25 वर्ष का कार्यकाल बिंदुसार का, 39 वर्ष का कार्यकाल सम्राट अशोक का। अशोक के बाद कुलाल हुए, देववर्धन हुए, हर्षवर्धन हुए, और वही कलिंग की लड़ाई अशोक साहब 10 दिन लड़े, सम्राट अशोक 10 दिन लड़े, 10वां दिन कलिंग के राजा को मार करके विजयी बने। आज जब विजयी बने तो यह दशमी का त्योहार मनावल गेल। एक त्योहार यहाँ मिलता है और एक त्योहार यहाँ मिलता है कि सम्राट अशोक जब विजयी हुए तो अशोक धम्म विजय, हमारे पढ़े लिखे लोग ये त्योहार अशोक धम्म विजय के साथ, अनिश त्योहार के साथ में अशोक धम विजय त्योहार मनाया जाता है। आखिरी लाइन में ये बतावल गयल कि पुष्यमित्र सुन आखिरी राजा बृहद्दत्त मौर्य को मारा, पीठ में छुरा, चीन से चल के आया, चीन से चल के आया, और किसी भी तरह से देखे संपर्क कर लिया और संपर्क करके बृहद्दत्त मौर्य के पीठ में छुरा मार दिया। आज जब पीठ में छुरा मार दिया तो लोग बताते हैं कि वहां पर अपने आप को राम साबित किया, और इतना ही नहीं एक पुतला बना करके 10 सिर लगाया, वो 10 गंधर का नाम दिया। अब इसको माने उसको माने, इसलिए मानते हैं कि आज भी श्रीलंका के लोग कहते हैं कि रे भारत वाले पागल हो गए हैं, हमारे यहाँ तो 10 शीश का कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो कौन श्रीलंका के, कौन लंका के रावण को भारत का राम मारा है। बहुत बड़ी बात है साथियों, सोचने लायक बात है। लंका आज भी दहाड़ करता है, पुतला जलाते हैं तो श्रीलंका के लोग खिल्ली उड़ाते हैं, ये भारत वाले कौन श्रीलंका के रावण को मारते हैं, पुतला जलाते हैं, मेला लगाते हैं। ये रहा आपका इतिहास और ये रहा आपके मेले का दूसरा प्रारूप। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ, स्थान केवल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम हुआ।